नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 15 सितंबर से धर्मशाला में होगी, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। बेहद ही रोमांचक और शानदार ये सीरीज होने की उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त दोनों ही टीमों के पास दुनिया के दो सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है। भारत के पास जसप्रीत बुमराह है तो साउथ अफ्रीका के पास भी कगिशोर रबाडा है। दोनों ही गेंदबाज T20 के एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में इन दोनों के बीच भी बेहद ज़बरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन अब बात करें इतिहास की, तो अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुल 13 T20 मैच खेले गए, जिसमें से 8 मैचों में भारत ने बाजी मारी है, वहीं 5 मैचों में दक्षिण अफ्रीका विजेता बनी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 उन बल्लेबाजों की जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए सर्वाधिक रन बनाए। तो नंबर 5 पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 204 रन बनाए हैं। धोनी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक अर्धशतक लगाया है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर 28 गेंदों पर 52 रन है, जो उन्होंने साल 2018 में सेंचुरियन के मैदान पर बनाया था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स इस सूची में 4th स्थान पर आते हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ 9 T20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 208 रन बनाए। एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ 2 अर्धशतक लगाए और भारत के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर 51 गेंदों में 63 रन है, जो उन्होंने साल 2009 में ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर बनाया था। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जेपी डुमिनी इस सूची में 3rd स्थान पर आते हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ 10 T20 मुकाबले खेले, जिसमें 295 रन बनाए। डुमिनी ने भारत के खिलाफ 3 अर्धशतक लगाए हैं और इस टीम के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर 34 गेंदों पर 78 रन है, जो उन्होंने साल 2016 में धर्मशाला के मैदान पर बनाया था। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना इस सूची में 2rd स्थान पर आते हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 T20 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 339 रन बनाए। रैना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1 शतक लगाया है और इस टीम के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर 60 गेंदों पर 101 रन है, जो उन्होंने साल 2010 के T20 विश्व कप में बनाया था। भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में 1st स्थान पर आते हैं। दाएं हाथ के इस भारतीय बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 T20 मुकाबले खेले और इसमें उन्होंने 341 रन बनाए। रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 में 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा का सर्वाधिक स्कोर 66 गेंदों में 106 रन है, जो उन्होंने साल 2016 में धर्मशाला के मैदान पर बनाया था। तो गाइज, इसके बारे में आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। धन्यवाद।